अंकिता अंकिता देखो भाई। जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भास गुप्ता के एक और नए इस ब्लॉग में। आज अपने कॉलेज में हम लोग आंड रहे हैं, लंच का टाइम हो चुका है और मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त मिस्टर अमन। और यहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं यार, आज देखा यहाँ पे लंच का टाइम अभी अभी हुआ है और यहाँ देखो भीड़ थोड़ी थोड़ी सी लग रही है। देखने जा रहे हैं क्या चल रहा है इधर। अगर देखोगे ना बहुत सारी भीड़ सी चल रही है। क्यों चल रही है यही देखने के लिए जा रहे हैं हम। देखिए हम आ गए हैं सबके प्यारे गर्ल्स हॉस्टल के पास। अब 12 बजे के टाइम पे आप चल रहे हैं पीडीएम गेट रोड पे। लग रहा मुझे आज कुछ है यहाँ पे। हेमन ब्रो आज कुछ है यहाँ पे ना, आज मुझे लग रहा है कुछ है यहाँ पे। और अगर कोई फंक्शन हुआ तो आपको पीडीएम का क्राउड दिखाऊंगा, जो कि सब लोग पूछते रहते हो आप लोग कमेंट में, तो वो आज क्राउड दिखाऊंगा आपको बढ़िया का। भाई यहाँ कुछ हो तो रहा है पक्का। यहाँ पे ये लग रहे हैं ना ये। ओ भाई इधर कुछ फंक्शन है मस्त सा देखने में लग रहा है, कुछ फंक्शन सा आ रहा है, अभी दिखाता हूँ। टिकट लग रही है 10-10 रुपए की। दिवाली का मेला है ये और 1 रुपए टिकट लग रही है। यहाँ देखो सारे लौंडे अपने खड़े हैं यहाँ पे। भाई यहाँ से टिकट ले ली है और देखो 10 की टिकट पड़ रही है अपने को और अपने में चलेंगे। लीजिए माता जी। भाई ये साइन लगा दिया है चले। भाई दिखाइए साइन। भाई ये साइन लगाया है पूरे टाइम एंट्री फ्री होगी, पूरे दिन में कभी भी आ जाओ। चलें सर। हाँ चलो आ जाओ। चलो भाई अपने साथ बहुत सारे लोग हैं, सारे दोस्त मिल करके चलेंगे। भाई इधर कोट पूरा टैटू टैटू कर रहे हैं। टैटू के 2-3 आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। भाई सारे फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं जो कि टैटू बना रहे हैं। अभी 2 लोग और हैं इस क्लास में, कोई नहीं है। भाई ये फाइन आर्ट्स के सारे बच्चे इसके अंदर लगे हुए हैं। फाइन आर्ट्स वालों ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इसको ना यहाँ पे टैटूज जो बन रहे हैं अभी, और वो टैटू जब बने हैं ना तो मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। बाकी यार वाइफ तो एक नंबर। बाकी ये गेम भी है देखो यहाँ पे, बलून डार्ट्स 20 रुपीज फॉर हाउ मेनी डार्ट्स? 2 डार्ट्स यू गॉट ब्लैक बलून। इज देयर एनी प्राइस और समथिंग? सर ओके ओके, तो फाइन आर्ट्स। ओके भाई ये लोग सब फाइन आर्ट्स वाले हैं, मस्त एक नंबर। यहाँ पे बलून का डार्ट हो रहा है, 2 डार्ट अगर मार लोगे ना तो यहाँ पे ये बिस्किट और ये सारे हैं जो कि 20 रुपए में, मतलब 20 रुपए का डार्ट पड़ेगा ये आपको और उसके बाद फिर यहाँ पे ये आपको प्राइस मिल रहा है एक नंबर। दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है टैटूओं का और आइए भाई नंबर काटेंगे। देखो
तितली बनवाई जा रही है इधर। नास्तिक जो था आज आया माथा टेक, पहले पहले प्यार किया पहली पहली डेट, पेरी चेक वाली शर्ट जो तेरी फेवरेट, तने मिलने के चाह में आज हो गया छोरा लेट, तू है किस्मत मेरी चालू गैल गैल तेरी, गैल भरेंगे गवाही रहे सारे चांद तारे, तू बैठी रवे शामी छोरा भरे जाऊंगा रे, वक्त अदब अंदाज दुनिया ते तेरे सारे, काल आख्या मेरे आंख तने पकड़िया जो हाथ, बस बस मैं ना रहा देख करे जो इशारे, बस बस मैं ना रहा। भाई एक नंबर बटरफ्लाई बना दी है और इसके लिए खर्चे हैं पूरे 50 रुपये। अमीर लोग भाई, इनकी शिकायत थी पहले वाले ब्लॉग में लिया नहीं था तो इनकी शिकायत थी, तो अब इनकी शिकायत दूर हो गई। ठीक है नहीं जी, आपने बनवाया? और भाई यार कुछ गहरा बनवाना था तेरे को, गिटार विद अ मीनिंग, ये बढ़ते 50 रुपये। वैसे 350 का तक लोग गाजर लेके बना सकते थे, लाइनर लेके। I need you when your heart next to mine, yeah I'm all about keeping you and I. When you're here you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning, got no words, I'm just drowning in attraction. भाई ये टॉस और रिंग वाला गेम है, इसमें ऐसा रिंग है और जो ये रिंग है ना जिस भी इसमें देखोगे वो आपका। भाई यहाँ पे लकी ड्रॉ वाला एक गेम है, एक नंबर चल रहा है वो भी, तो इसके लिए कैसे क्या है तो मैं यहाँ पे पूछता हूँ इनसे। तो आपका नाम? मेरा नाम प्रिया। हाँ जी, यहाँ पे भाई ये लकी ड्रॉ का गेम चल रहा है, एक ये लकी ड्रॉ का एक घड़े वाला है और एक ये कॉइन वाला है जो चल रहा है। हाँ जी बताइए। इसमें डालनी है? ठीक है, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज। भाई 50 रुपये का टोकन है ये वाला, और शो के एंड में होगा ना ये इवेंट, जब एंड होगा। आओ भाई ये 10 रुपये देखे हैं, तो देखो कितना मस्त सजा रखा है यार यहाँ पे। भाई आप में से जितने लोग पूछते हैं ना क्राउड कैसा है, पीडीएम का क्राउड कैसा है, देख लो आज यहाँ पे क्राउड ही क्राउड देख लो। एक नंबर चॉकलेट बांट रही है, मैम ने यहाँ कैंडी रखी हुई है और मैम ये कैंडी उन लोग को बांट रही है जो लोग अच्छे अच्छे लोग डांस कर रहे हैं, है ना मैम? आओ दोस्तों चले ऊपर को, ऊपर से देखेंगे इवेंट, ऊपर से देखते हैं भाई इवेंट इतना किस तरीके से सजा रहा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फ्रूट स्टॉल लगा रखा है जहाँ पे आपको बेल पूरी और इधर आपको मिलेगा कॉटन कैंडी 20-20 रुपये मिल रही है, और वहाँ पे आप देखोगे कुछ फ़ोटो उसके लिए यहाँ पे बना रखी है वो जो बनी हुई है भैया। बाकी इधर से आप वहाँ पे गेम चल रही है, वहाँ पे टैटू का चल रहा है, यहाँ फोटो का सेल्फी लेने के लिए फ़ोटो के लिए यहाँ पे बना रखा है स्टैंड वगैरह, और लोग यहाँ मस्त नाच रहे हैं भाई। बाकी भाई ये एक नंबर तो चल ही रहा है, अमन भी है, अमन को ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, देखो कितना मस्त नाच रहे हैं सब यार। छोटा सा इवेंट है लेकिन एक नंबर है। ये पटाखे तो चल रहे हैं ना, ये बच्चे मतलब अपनी मर्जी से लगा रहे हैं सारे, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं लेकिन बच्चे फोड़ रहे हैं, मतलब इसी में खैर। भाई हनुमान जी का चल पड़ा, हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले श्री राम।
भाई वापस आ चुके हैं नीचे की तरफ और टेबल बांध के आए थे, तो टेबल बांध के ही जाएंगे। सेक्शन ए के धुरंधर है ये भाई। अमन का फेवरेट गाना चल चुका है, मेरे भाई का फेवरेट गाना चल चुका है। नाचेंगे हाँ सलोनी कैसी है? भाई इधर सारे गेम खत्म हो गए अपने, 1:30 के बाद 1:30 बजे शुरू होगा सारा। हम भी कहाँ रुकेंगे, चलते हैं भाई। अभी सारा माहौल खत्म हो गया है और खत्म नहीं हुआ, 1:30 बजे शुरू होगा। अब लंच के लिए भेज दिया, ये देखो ये फाइन आर्ट्स वालों की है फैकल्टी, और ये स्कूल था पहले पीडीएम का, और अब ये जो है फाइन आर्ट्स की फैकल्टी में और लाइफ साइंसेज की फैकल्टी में, वैसे तो उसको बदल दिया गया है। जैसे बीपीटी वाले सारे बच्चे होते हैं, बीपीटी वाले और कौन से फाइन आर्ट्स के, तो ये सारे इसके अंदर रहते हैं। लाइफ साइंसेज में जो भी हैं, पता नहीं कौन कौन से कोर्स हैं, तो वो सारे यहाँ मिल गए। मेले में जीती है सही में, कसम से भाई 20 रुपए दे के देखना, मेले में जीत के आया है लौंडा। देखो ये गर्ल्स हॉस्टल के पास में ये टक्कर पे बिल्कुल फैकल्टी, यहाँ से इधर जाते हैं तो मैस है। बाकी ये देखो सलोनी आने के लिए बेताब यार सही था, बच्चों ने खुद से ऑर्गेनाइज किया था। तो भाई तुम जैसे कहते हो ना कि कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, ऐसा कुछ है पूछते हो, तो देखो खुद से कर सकते हो। कल्चरल एक्टिविटीज़ में ना लोगों को, बच्चों को जो होते हैं ना कॉलेज के, वही करते हैं ये सब चीज़ें। कॉलेज तो कोई मोटा मोटी तौर पे जैसे होली होगी दिवाली होगी वो छोटा मोटा कर देता है। बाकी देखो ये आंटी के कैफे जो मैंने वीडियो बनाई थी, बगल में स्टेशनरी भी है, और आज तो आंटी के कैफे से कुछ नहीं ले रहे हम, चलेंगे बाहर। अभी 1:30 बजे तक की छुट्टी हुई है और इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं अभी क्या करें, घर चले कहाँ चले, घर जा रहा है, जाओ भाई देखते हैं, थोड़ी देर बैठ कर आराम करते हैं फिर चलेंगे घर को। बाकी देखो यार मस्त, भाई ये देखो यहाँ पे ना CCD हट गया और कुछ नया ही बन गया, और यहाँ नया अब क्या होगा वो देखने का पार्ट है। यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, और ये देखो PDM का व्यू बहुत अच्छा यहाँ पे यार। ये फ्लैग पोस्ट है ना, इस पर जब फ्लैग नहीं होता तो मन नहीं लगता यार, पता नहीं क्यों, कॉलेज की शक्ल देखने का जी नहीं करता। लेकिन देखो ग्रीनरी बहुत है, सुंदर सुंदर तो बहुत है ये PDM जो है। और यहाँ देखो ये मैं हूँ, कमेंट्स में मेरे से ऐसे पूछते हो कि भैया यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं नहीं होती, यहाँ पे फेस्ट होते हैं नहीं होते हैं, तो मैं उसके लिए तो मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना जो है फेस्ट वगैरह चीज़ें ये बहुत कम होती हैं, ठीक है, और अभी तक काफ़ी कोई फेस्ट हुआ नहीं है। लास्ट जो फेस्ट हुआ था उसके अंदर हार्डी साधु आया था, मेरे भी आने से एक साल पहले 2019 में मैं आया था, उससे पहले 2018 में वो आया था। तो मैं इसलिए तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जैसे कोई फेस्ट वगैरह ऐसा कोई अब तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है कोविड के बाद, बट यहाँ पे ना जैसे छोटे छोटे कल्चरल एक्टिविटीज़ है ना, ये बच्चे ही जो होते हैं ना स्टूडेंट्स यहाँ के, वो उनके दिमाग में जो आइडियाज़ होते हैं इवेंट्स वगैरह वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे बेसिकली मैंने अधिकतम टाइम जब से मैं आया हूँ मैंने यही देखा फाइन आर्ट्स के जो बच्चे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा देखो जो कॉलेज होता है ना, कॉलेज में जो बनता है वो बनता है स्टूडेंट से, जब कॉलेज स्टूडेंट से बनता है तो स्टूडेंट्स को ही इन चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। अगर आपको ऐसे कोई लाइव इवेंट्स चाहिए या कोई ऐसे इवेंट्स करवाने हैं आपको, कोई कुछ भी आप सोच सकते हो, कभी भी आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे आप दोस्त आपस में मिल करके, तो आप अपना जब आइडिया है ना अपनी फैकल्टी को बताओगे या डीन को बताओगे अपनी फैकल्टी की, तो वो इस चीज़ के लिए फंड भी कर देंगे, आपको कुछ आइडियाज़ भी दे देंगे। और कॉलेज जो है अपनी तरफ से बहुत सारे फेस्ट तो नहीं कराता या बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं कराता, नॉर्मल कुछ कुछ चीज़ें कराता, जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, होली हो गया, तो ये सारी सेलिब्रेशन वो कराता है। लेकिन इसके अलावा जैसे आपको कुछ कराना ना, तो आप जो है खुद इस चीज़ के लिए आ गया हो और आप खुद इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो। इसके बेनिफिट जो है ना, पता
होता क्या है, पहले तो एक आपको जो होगा ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आपको आ जाएंगी, आपको मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएंगी। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये कि आप ना इसको अपने CV में ऐड करा सकते हो, कल को कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि आपने ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं। तो इसलिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है ये चीज़ें। इस पर्टिकुलर जो कैटेगरी में आप मेरे से सवाल पूछते हो ना कि बेस्ट है नहीं, आप कॉलेज बहुत लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं आप लोग, तो उसके लिए मैंने ये जो है इन्फॉर्मेशन बताई है। तो भाई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार इस चैनल को। बहुत ही कम लोग इसको सब्सक्राइब कर रखे हैं, 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है चैनल को। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। और मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा। जैसे क्राउड आपको छोटा मोटा सभी यहाँ दिख जाएगा, अभी आगे मेन कैंपस पे चलूंगा ना तो वहाँ दिख जाएगा। बाकी यहाँ तो देख ही सकते हो मेरे साथ कितने लोग हैं। अरे यार गलत बच्चे भी हैं। गंदी गंदी बातों को हमें नहीं देखना चाहिए, इसको अनसुना कर देना चाहिए।